Good morning, students. Today we are going to learn about this chapter 9, that is animation, morphing and sound. So students, ये क्या है? ये chapter basically animation के बारे में. इसके objectives क्या हैं? Create symbols to reuse in animation, add sound to the timeline, apply classic animation, create simple morphing. ये सभी terms आपके लिए एकदम से नई होंगी. कोई बात नहीं, but you will go through the book and learn the basic things. देखिए क्या है, वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू लॉन्च फ्लैश एंड अप्लाई सिंपल एनिमेशन बाई ड्रॉइंग एन ओवल और रेक्टेंगुलर शेप. ये फ्लैश के बारे में है ना, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है. यदि पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं. जब कभी भी आपको मौका मिले आप जरूर पढ़ना, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेना है ना. या फिर जब कभी स्कूल में हम लोग बात करेंगे या पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़ लेना. फिलहाल अभी आपके पास जो भी अवेलेबल बुक्स हैं वैसे ही आपको पढ़ना है. We also know the use of timeline and keyframes. Timeline और keyframes क्या है? ये भी चीज हम जानते हैं. According to the book. Now let us learn about the concept called tuning. अभी हम tuning के बारे में जानेंगे. उसके पहले students क्या है? भी आपको symbol के बारे में जानना है. तो जो कुछ important thing है वो आप note भी करते जाएंगे, आप उसको learn भी करेंगे. जैसे symbol, कि symbol होता क्या है? A symbol is a complete object in itself. Symbol क्या है? अपने आप में complete object है. It could be an image, बटन, डिजाइन इन फ्लैश और एन इंटायर मूवी क्लिप. तो सिंबल क्या है? एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है. बेसिकली क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है. अ सिंबल में शो फॉलोइंग थ्री बिहेवियर. सिंबल क्या होगा? तीन तरह का हो सकता है. अ ग्राफिक सिंबल इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ स्टैटिक इमेज. एक ग्राफिक सिंबल होता है, एक होता है बटन सिंबल. इज यूज टू क्रिएट इंटरक्टिव बटन इन यूजर इंटरफेस सच एज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अ ट्यूटोरियल. ठीक है. बटन कैन चेंज कलर्स, रोल ओवर इफेक्ट्स एंड हैव एनिमेशन अप्लाई टू इट. बटन सिंबल इस तरह का होता है. मूवी क्लिप इज यूज टू क्रिएट अ रीयूजेबल पीस ऑफ एनिमेशन. रीयूजेबल पीस मतलब ऐसा एनिमेशन जिसको बार बार यूज कर सकते हैं. मूवी क्लिप्स हैव देयर ओन टाइम लाइन दैट इज इंडिपेंडेंट इन द मेन टाइम लाइन. द स्टेप्स टू कन्वर्ट अ शेप इन टू अ सिंबल आर. ये एक स्टेप्स दिए गए हैं कैसे हम एक शेप को सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो सिंबल क्या है? इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ, है ना. इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ स्टैटिक इमेज. ग्राफिक सिंबल है, स्टैटिक इमेज के लिए यूज किया जाएगा. स्टूडेंट्स यदि आप प्रैक्टिकली में इसको समझते हैं तो और आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं. ठीक है, उसे हम बाद में करेंगे. अभी स्टेप्स क्या है? ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग ओवल शेप. ओवल शेप से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया. फिर उसको क्या किया? सिलेक्शन टूल में गया, सेलेक्ट किया, फिर मॉडिफाई किया. मॉडिफाई में गया तो कन्वर्ट टू सिंबल प्रेस कर दिया तो वो सिंबल में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ये आपके बुक में इस तरह से लिखा हुआ है. फ्लैश जो है, एडोब फ्लैश में इस तरह से है आपका ग्राफिक्स. यहाँ पे ग्राफिक्स में आए और यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे, कन्वर्ट टू सिंबल है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. दीज थिंग्स यू नीड टू नो. जब बस अभी आपको क्या करना है, बस इसको सिंपली समझना है. जो बुक में लिखा है उतना ही समझना है आप. सिंबल क्या है? तो सिंबल एक इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में जैसे बुक्स होती हैं वैसे ही लाइब्रेरी में सिंबल्स भी हम रख सकते हैं. ठीक है. ऑल सिंबल्स यूज्ड इन फ्लैश मूवी आर स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी फ्रॉम वेयर यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप देयर कॉपीज ऑन द स्टेज. ठीक है. तो लाइब्रेरी क्या है? जहाँ पे फ्लैश मूवी की सभी जो स्टोर करके रखी रहती है ना, वो लाइब्रेरी है. अ कॉपी ऑफ अ सिंबल इज कॉल्ड एन इंस्टेंस. एक लाइन में समझे यदि कि इंस्टेंस क्या होता है, तो अ कॉपी ऑफ अ सिंबल इज कॉल्ड एन इंस्टेंस. और सिंबल क्या होता है? अ सिंबल इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ. इट कुड बी एन इमेज, बटन डिजाइंड इन फ्लैश और एन इंटायर मूवी क्लिप. ठीक है. तो ये पूरा लाइन मतलब सिंपल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक इमेज हो सकता है या कोई बटन हो सकता है डिजाइन किया हुआ फ्लैश में, या कोई एक मूवी क्लिप हो सकता है, उसे हम सिंबल कहते हैं. पर इंस्टेंस क्या होता है? अ कॉपी ऑफ अ सिंबल इज कॉल्ड एन इंस्टेंस. उस सिंबल का कॉपी जो है वो इंस्टेंस कहलाता है. यू कैन मेक एज मेनी इंस्टेंस ऑफ अ सिंबल एज यू नीड. आप जो हैं जितना भी चाहे उतना कॉपी कर सकते हैं, जितना चाहे उतना इंस्टेंस बना सकते हैं किसी एक सिंबल का. व्हेन द एक्चुअल सिंबल इज एडिटेड ऑल इट्स कॉपीज दैट इज इंस्टेंस चेंजेस अकॉर्डिंगली. और यदि हम एक्चुअल सिंबल में चेंज करते हैं तो उसके इंस्टेंस में भी यानी उसके सभी कॉपी में चेंज हो जाता है.
स्टेप्स टू क्रिएट अ सिंबल और एक स्टेप्स हैं सिंबल को कैसे क्रिएट करना है. इंसर्ट अ न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट फ्रॉम फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू जाना है, न्यू सिंबल को इंसर्ट करना है आपके. देखिए बुक में भी लिखा है, पेज नंबर 135 ठीक ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है. आप जरा देखिए, इंसर्ट न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट फ्रॉम फाइल मेन्यू, इंसर्ट में जाना है, न्यू सिंबल, क्रिएट न्यू सिंबल. ठीक है, यहाँ पर देखिए इंसर्ट है, न्यू सिंबल, ऐसे करके क्रिएट करके आप न्यू सिंबल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. इसमें सारा स्टेप एग्जैक्टली लिखा हुआ है. अभी टाइप इसमें सर्कल का, उसका नेम भी टाइप कर सकते हैं. द सिंबल डेफिनेशन सीन अपीयर्स, क्लिक ऑन ओवल टूल, और ओवल टूल पे आपको जा करके ओवल से कैसे शेप बना लेना है, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है. साउंड के बारे में पढ़ना है. साउंड इज सोल ऑफ एनिमेशन. एनिमेशन आप समझते हैं, एनिमेशन यानी कि जो कार्टून्स आप देखते हैं टीवी में या मोबाइल फोन में कभी कभी, वो सभी एनिमेशन है. वो सभी क्या है, वैसा रियली में कोई भी नहीं है. जैसे यदि हम बात करें किसी एक कार्टून की, मोटू पतलू की बात करें, तो मोटू पतलू जो आप देखते हैं वैसा मोटू पतलू कोई भी एग्जैक्टली वैसा ही इंसान नहीं है, वो एनिमेशन है ना, वो बनाया हुआ है कंप्यूटर के ऊपर. तो क्या है, साउंड इज सोल ऑफ एनिमेशन. जो साउंड है वो क्या है, एनिमेशन का सोल है ये. मतलब कोई भी एनिमेशन बिना साउंड के अच्छा नहीं लग सकता, वो एकदम से बेकार लग सकता है. ठीक वैसे ही जैसे मान लिया आपने कोई कार्टून देख रहे हैं और आपने आवाज़ उसका म्यूट कर दिया टीवी का, तो फिर आप उसे वो बस ऐसे ही आप समझते हैं वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा, बस ऐसे ही इमेजेस हैं वो मूव कर रहे हैं. तो साउंड क्या है, आप अपनी वर्ड्स में लिख सकते हो कि व्हाट इज साउंड, या व्हाई इट इज कॉल्ड दैट साउंड इज सोल ऑफ एनिमेशन, बिकॉज ड्यू टू द साउंड ओनली वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड वी कैन टेक मोर एन्जॉयमेंट. और हमें ऐसा लगता है कि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ हो रहा है, एक्शन है उनके साथ. तो इसलिए साउंड मेक्स देम मोर अलाइव. साउंड होने से क्या होता है, वो अलाइव दिखते हैं, लगते हैं कि हाँ वो जीवित हैं और सच में वो इधर से उधर चल रहे हैं या कोई एक्शंस कर रहे हैं. अभी क्या है, फ्लैश में ऐसी फैसिलिटी है कि आप साउंड को इम्पोर्ट कर सकते हैं. इम्पोर्ट करने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई आवाज़ सेव है, उसको आप ले सकते हैं. हाँ, आवाज़ सेव होने से मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि जैसे जो एनिमेशन होता है, जो कार्टून्स बनते हैं, उसमें पहले कंप्यूटर पर कैरेक्टर डिजाइन होता है, कैरेक्टर बना दिया मोटे या पतले कुछ भी, उसके बाद कोई ना कोई एक व्यक्ति, कोई ना कोई एक आदमी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है कि हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, चलो समोसा खाते हैं, इस टाइप का जो भी आवाज़ है वो किसी न किसी का रिकॉर्ड किया हुआ रहता है. तो उस रिकॉर्डिंग को उसके कैरेक्टर के साथ ऐड कर दिया जाता है. तो जब वो उसका ऐसे फेस का मूवमेंट होगा और वही आवाज़ साथ में चलेगा, तो ऐसा लगेगा कि वो आवाज़ वही बोल रहा है. ठीक है, तो इस तरह से साउंड एनिमेशन में करके उनको अलाइव कर देता है. ठीक है, अभी देखिए आपका क्या है कि कैसे उसमें स्टेप्स टू इम्पोर्ट अ साउंड, कैसे साउंड को हम इम्पोर्ट करते हैं फ्लैश में. ये आपके प्रैक्टिकली स्टेप्स बताए हुए हैं. तो इन शॉर्ट मेन्यू में आपको जाना है, टाइमलाइन लेयर, उसमें आपको जाना है फाइल, इंपोर्ट, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ब्राउज द लोकेशन एंड फाइंड द रिक्वायर्ड साउंड क्लिप. ठीक है, आपको इस तरह से इसमें आप साउंड क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं. ये सभी सेम टू सेम जैसे स्टेप्स बुक्स में लिखे हैं, सेम टू सेम ऐसे ही ये होता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं साउंड प्रॉपर्टीज. साउंड की प्रॉपर्टीज क्या है. To set the sound properties, click the frame of the movie. After doing this, the properties panel takes the following appearance. Let's see the parts of this panel. Sound के properties के इतने सारे parts हैं. क्या है, पहला sound है. This list box shows imported sound. यानी जो भी आपने file select किया उसका name यहाँ पे दिखेगा. Effect क्या, select various sound effects from this list. यहाँ पे आप अलग अलग sound का effect दे सकते हैं. Sync. This option allows to determine at which इवेंट या पॉइंट शुड विल बिगिन प्लेइंग. इसमें क्या है, सिंक में आपको ये बताएगा कौन सा ऑप्शन पे जाएगा तो कहाँ से ये आवाज़ आएगी, मतलब जो आपने फाइल सेलेक्ट किया वो आवाज़ कब प्ले होगी. ठीक है, रिपीट. इट स्पेसिफाइज हाउ मेनी टाइम्स द साउंड शुड बी रिप्लेड. इसमें यह बताता है कि वो जो आवाज़ है वो कितनी बार रिपीट होती चली जाएगी, कितनी बार वो आवाज़ आएगी. अब इसके बाद हम समझते हैं ट्विनिंग के बारे में कि ट्विनिंग क्या है. स्टूडेंट्स यू नीड टू नो द वर्ड. ये वर्ड जो ट्विन है ना, ये आपको जानना है, समझना है इसको कि इसका मीनिंग क्या है, होता क्या है. ट्विन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन बिटवीन. ट्विन का मतलब क्या है, इन बिटवीन. मतलब कोई एक चीज है, स्क्वेयर है, मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए कोई एक स्क्वेयर है,
ये स्क्वायर थोड़ी देर के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद ऐसे एक सर्कल में चेंज हो जा रहा है, तो इसको ही ट्विनिंग कहते हैं ना, इन बिटवीन, के बीच में, है ना। तो ये पहले जो स्क्वायर है ये बाद में सर्कल बन जा रहा है, इसके बीच में जो हो रहा है उसको ही ट्विनिंग कहते हैं, है ना। ट्विन से बना है ट्विनिंग, विच इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम्स बिटवीन टू इमेजेस टू गिव द अपियरेंस दैट द फर्स्ट इमेज इवॉल्व फ्रॉम द सेकेंड इमेज। फिर से जरा समझिए इसको। ट्विन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इन बिटवीन, विच इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम्स बिटवीन टू इमेजेस टू गिव द अपियरेंस दैट द फर्स्ट इमेज इवॉल्व फ्रॉम द सेकेंड इमेज। मतलब कि जो फर्स्ट इमेज है वो इवॉल्व हुआ है सेकेंड इमेज से, और उसको ऐसा अपियरेंस देते हैं, ऐसा लगता है कि ये जो स्क्वायर है वो चेंज होकर के सर्कल बन गया। ठीक है, क्या है, इवॉल्व फ्रॉम द सेकेंड इमेज, मतलब इसी से ये बना है या इससे ये बना हो, जैसे चाहे आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो इसे ट्विनिंग कहते हैं। अब है क्लासिक ट्विन, क्लासिक ट्विन और एक और है शेप ट्विन, ये दो चीजें हैं, है ना। तो क्लासिक ट्विन इज यूज टू क्रिएट एनिमेशन बिटवीन टू की फ्रेम्स। अभी स्टूडेंट्स आपको ये की फ्रेम्स वर्ड मिल रहा है, दिज ऑल आर द पार्ट ऑफ द रियल प्रैक्टिकल एंड ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस बुक्स, ये आपने जो पिछली क्लास की बुक्स पढ़ी है उससे ये सब मिली हुई है। ठीक है, तो अभी आपको मैं जिन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ आपको उनको ही ध्यान से समझना है, और कुछ वर्ड्स हैं उनको बस याद रखना है। ठीक है, जैसे ये ट्विनिंग है, तो ट्विनिंग एकदम एग्जैक्टली जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे बुक में लिखा है या जो मैंने बताया इसे आपको समझ लेना है। इसके पहले मैंने साउंड के बारे में बताया, उसे आपको समझ लेना है। ठीक है, इसके बाद सिंबल बताया, इंस्टेंस बताया, ये सभी आपको समझ लेना है। अब जो क्लासिक ट्विनिंग है ये एग्जैक्टली क्या है, इस सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल का हिस्सा है। ठीक है, फिर भी आप इसे एक बार समझिए क्या है। क्लासिक ट्विनिंग यूज टू क्रिएट एनिमेशन बिटवीन टू की फ्रेम्स, इट रिक्वायर्स दैट द ऑब्जेक्ट बीइंग ट्विन्ड बी कन्वर्टेड टू अ ग्राफिक एंड दैट द फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द शेप आर नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस। फ्लैश फिल्स इन द गैप्स बिटवीन टू की फ्रेम्स। क्लासिक ट्विन में क्या है, एक की फ्रेम में यहाँ पे स्क्वेयर है, अगले की फ्रेम में वो सर्कल हो जाता है, तो इसे ही बोलते हैं क्लासिक ट्विन, है ना। और इसमें या एक की फ्रेम में ये दिखता है, थोड़ी देर के बाद वो वही, मतलब ऐसे मान लो क्लिप चल रही है, तो यहाँ पे यहाँ तक जब क्लिप आई तब तक से ये क्या है, स्क्वायर है। क्लिप यहाँ तक आई तब भी ये स्क्वायर है, जैसे ही इसके बाद क्रॉस की तो ये सर्कल हो गया, मतलब एक झटके में ये स्क्वायर से सर्कल हो जाएगा, ये क्लासिक ट्यून कहलाता है। और शेप ट्यून क्या कहलाता है, आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि ये बदल रहा है, बदलते बदलते ये सर्कल। इसमें अभी नाउ स्टेप्स दिए हुए हैं कि द स्टेप्स टू परफॉर्म अ सिंपल क्लासिक ट्यून, क्लासिक ट्यून का सिंपल स्टेप्स दिए हुए हैं। सेलेक्ट द फाइल मेन्यू, न्यू जाना, न्यू डॉक्यूमेंट, देन फ्रेश डॉक्यूमेंट, और टाइप, टाइप में सर्च करके, और ये सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको क्लासिक ट्यून को आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है शेप ट्यून। इन द इंसर्ट मेन्यू सेलेक्ट क्लासिक ट्विन ऑप्शन, द एनिमेशन इज अप्लाइड, टू प्ले द एनिमेशन होल्ड डाउन द कंट्रोल की वाइल प्रेसिंग द एंटर की ऑन द कीबोर्ड। अभी इसको कैसे प्ले करते हैं उसके बारे में है, अभी हम शेप ट्विन के बारे में पढ़ेंगे। इस शेप ट्विन होता क्या है, शेप ट्विन इज यूज टू क्रिएट अ मॉर्फ इफेक्ट। क्या है शेप ट्विन, वो एक मॉर्फ इफेक्ट लाता है, मॉर्फिंग टर्न्स वन शेप इनटू अनदर। तो मॉर्फिंग क्या है, जब एक शेप दूसरे शेप में बदलता है और हमें ऐसा लगता है कि हाँ स्क्वायर ही बदल करके सर्कल में हो रहा है, तो उसे हम मॉर्फिंग कहते हैं। इन शेप ट्विन द यूजर ओनली नीड्स टू डिफाइन द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रेम, फ्लैश फिल्स इन द रेस्ट ऑफ द फ्रेम्स। स्टूडेंट्स हम फिर से समझेंगे मॉर्फिंग, ये जो वर्ड आया है मॉर्फिंग क्या है। शेप ट्विन इज यूज टू क्रिएट अ मॉर्फ इफेक्ट, ये क्या करता है, एक मॉर्फ इफेक्ट को क्रिएट करता है। मॉर्फिंग टर्न्स वन शेप इनटू अनदर, मॉर्फिंग का मतलब क्या है, जब एक शेप दूसरे शेप में टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम उसे मॉर्फिंग कहते हैं। इन शेप ट्विन द यूजर ओनली नीड्स टू डिफाइन द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रेम, और इसमें हम क्या करते हैं शेप ट्विन में फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम को डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद बाकी का काम फ्लैश सॉफ्टवेयर कर देता है कि वो कैसे ऐसा लगेगा कि जैसे वो स्क्वायर ही चेंज होकर के सर्कल में बन गया है। द स्टेप्स टू परफॉर्म अ सिंपल शेप ट्विन आर, अब सिंपल शेप ट्विन को कैसे करते हैं उसका पूरा स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पर।
ये सेम टू सेम जैसे यहाँ लिखा वैसे एग्जैक्टली हम भी फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है, अब हम इसके बैक ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या है, फिल चूज द करेक्ट आंसर। अ डैश सिंबल इज यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव बटन्स दैट कैन हैव रोल ओवर इफेक्ट एंड एनिमेशन अप्लाइड ऑन देम। तो इसमें क्या है, ग्राफिक्स होगा नहीं, मूवी क्लिप होगा नहीं, बटन क्या होगा, बटन। अब बटन सिंबल क्या है, उसमें रोल ओवर इफेक्ट रहता है ना, तो अब बटन। अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड, आपको क्या है कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, कहाँ पे सारे सिंबल्स रहते हैं, तो लाइब्रेरी में रहते हैं जहाँ से हम जब भी चाहें किसी भी सिंबल को ले सकते हैं। क्लास्टिक टून इज यूज टू क्रिएट एनिमेशन बिटवीन टू की फ्रेम्स, इसमें क्या होगा की फ्रेम्स, क्लास्टिक टून्स क्या है, दो की फ्रेम के बीच में होता है। मॉर्फ इफेक्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग शेप ट्वीन, शेप ट्वीन का यूज करके हम मॉर्फ इफेक्ट ला सकते हैं। स्टूडेंट्स अब है फिल इन द ब्लैंक्स, पहला क्या है, डैश कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट टू बी ट्वीन इनटू अ ग्राफिक सिंबल, इसमें क्या होगा शेप ट्वीन, आप लिख दीजिए इसमें शेप ट्वीन। नेक्स्ट क्या है, वेन अ सिंबल इज यूज आउटसाइड द लाइब्रेरी इट इज कॉल्ड इंस्टेंस, इंस्टेंस में क्या होता है, हम एक सिंबल का कॉपी बनाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इंस्टेंस। नेक्स्ट है, डैश इज एन एनिमेशन स्टाइल इन विच वन शेप टर्न्स इनटू अनदर, आपको बताया ना एक शेप टर्न होकर के दूसरे शेप में बदल देता है, वो क्या है मॉर्फिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉर्फिंग। नेक्स्ट है, डैश इज सोल ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन का सोल क्या है, यानी कि साउंड। स्टूडेंट्स यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ योर सेल्फ, ये सभी चीज़ें वीडियो में बताई गई हैं, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।